हेलो एवरीवन, माय सेल्फ एडवोकेट गौतम अर्सवाल, एसोसिएट विद डायलिसी। वेलकम टू डायलिसी। टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस विद यू ऑन द लीगल टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद एमपी डीए। सो कपिल सिब्बल टू रिप्रेजेंट बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी इन हिज केस अगेंस्ट बीजेपी तजेंद्र बग्गा। व्हाई सो एंड व्हाट हैपेंड इन दिस केस, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। यू नो, इन एन इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, द दिल्ली हाई कोर्ट वाज इन्फॉर्मड टुडे दैट द फॉर्मर कांग्रेस लीडर एंड सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल विल रिप्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी इन हिज केस अगेंस्ट अनदर बीजेपी लीडर तजेंद्र पाल सिंह बग्गा। यू नो, बग्गा हैड सूड स्वामी फॉर डिफॉर्मेशन, एलिजिंग दैट स्वामी, हु हैज ओवर 10 मिलियन यू नो फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, पुट आउट ए फॉल्स एंड इनकरेक्ट ट्वीट अक्यूजिंग हिम ऑफ बींग जेल्ड सेवरल टाइम्स बिफोर ज्वाइनिंग द बीजेपी। The trial court had issued summons on this suit. The Swami, you know, challenged the same before the High Court, and on you know April 4, 2022, the High Court stayed the summons. You know, when Justice Dinesh Kumar Sharma took up the matter for hearing today, Advocate Satyas you know Sabharwal appeared for Swami and told the court that Senior Advocate Kapil Sibbal will appear for them. He sought adjournment in this matter. In the matter, stating that Kapil Sibbal is busy before the Supreme Court's Constitution Bench in the Article 2370 case, Justice Sharma recorded a statement and adjourned the matter for October 4th. So that's all about our discussion. I hope you're pretty much clear with the fact of this case. In case of any doubt, any confusion, do let me know in the comment section. Till then, bye bye. Take care.